हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है और जब यह सोमवार को पड़ती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस वर्ष सोमवती अमावस्या 2 सितंबर 2024 को सुबह 5:21 से 3 सितंबर 2024 को सुबह 7:24 पर समाप्त होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन पितरों के तर्पण, पूजा और दान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। खरगोन के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित पंकज मेहता ने लोकल लैटिन को बताया है कि सोमवती अमावस्या विशेष रूप से पितरों की तिथि मानी जाती है। सोमवार को आने वाली अमावस्या को शास्त्रों में अमृतमय अमावस्या भी कहा गया है। इस वर्ष अभी भाद्रपद की जो अमावस्या है वो अमावस्या की वृद्धि हो रही है और सोमवार और मंगलवार दोनों दिन वो अमावस्या है और भादो की इस जो अमावस्या है इसकी एक और विशेषता है। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या की जो तोड़ी गई उखाड़ी गई पूषा है, पूषा जो है वो देव और पितृ कार्य के लिए वर्ष भर काम आता है। सोमवती अमावस्या का तो इतना है कि उस दिन किया गया पुण्य बड़ा अक्षय होता है, इसलिए उसका महाभारत इत्यादि में भी वर्णन आया है जहाँ पे भीष्म जी ने भी उस अमावस्या की प्रशंसा की और ऐसा कहते हैं कि वनवास के दौरान मतलब प्रतीक्षा करते रहे युधिष्ठिर आदि की सोमवती आए और हम नहा करके मतलब उसमें सोम पवित्र हों और हमको पुण्य लाभ मिले तीर्थों का। ऐसा कहते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन यदि आप तीर्थ न भी जा पाएँ और आपने कुछ तीर्थों की बूंद अपने जल घर के जलपात्र में भी डाल ली तो वो भी आपको तीर्थ स्नान का फल देता है, वहाँ स्मरण से भी मिलता है। चंद्रमा जो है वनस्पतियों का राजा है, सोमोस्माकम नाम, और सोम जो है वो अमृतांश भी है, अमृत भी उसके अंदर है। तो जिस दिन अमावस्या के दिन जो होती जो कला है वो लुप्त हो जाती है, चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, तो सूर्य में वो सारी शक्ति होती है और इसलिए अमावस्या के दिन में सारे कृत्य होते हैं, सारी पूजाएँ उपासनाएँ जो होती है वो सारी दिन में होती है दीपावली छोड़ के। तो जब सोमवार की अमावस्या आती है तब उसमें वो अमृतमयी अमावस्या है, जो सोम के साथ उसका संबंध हो जाता है तो अमावस्या अमृतमय, तब वो उस दिन पितर भी तृप्त होते हैं, वो अमृत जो कला है वो पितरों को तृप्त करते हैं। उस दिन यदि सोमवार के दिन यदि हम पितृ श्राद्ध करेंगे तो पितरों को अत्यंत पुष्टि मिलती है, जैसे सोमवती किया गया पुण्य अक्षय होता है, ऐसे सोमवार के दिन पितरों के निमित्त हम जो भी करेंगे, चाहे हम उसके लिए दान करें, यजन करें, तर्पण करें, पिंडदान करें, वो अक्षय होता है। उसी प्रकार से जो लोग लगातार संतान को लेकर के परेशान है, तो संतान नहीं हो रही है, पुत्र संतान है, वंश वृद्धि में दिक्कत आ रही है, या घर में बिना बात के कलह होते हैं, या पैसा टिकता नहीं है, जैसे प्रायः ऐसा मान्यता धन की, तो सोमवती अमावस्या उनके लिए विशेष वो है। उस दिन देव और पितरों का पूजन कर विधान से पूजन करने से उनको इन समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। दूसरा इसके अंदर सबसे अच्छा ये है कि वनस्पतियों का सिंचन करना चाहिए, तो वो सिंचन बहुत पुण्य वो पितरों को प्राप्त होता है, जैसे विशेष करके पीपल का सिंचन करें, बरगद का करें, या अपन पलाश का करें तो पितरों को प्राप्त होता है, और विशेष पलाश पूजन तो करना क्योंकि चंद्रमा उसका प्रतिनिधि। शास्त्रों के अनुसार सोमवार को किए गए सभी कार्य अक्षय होते हैं और इस दिन पितरों के तर्पण से उन्हें पूर्ण तृप्ति मिलती है। यह दिन संतान प्राप्ति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जिनके घर में संतान नहीं है वे इस दिन पितरों और देवताओं की पूजा करके अपनी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।